सो सच मंद जित सच ध्याये, सो सच मंद सो सच मंद चित सच ध्याये, सो सच मंदर चित सच ध्याये, सो सच मंदर सोरे दा सुहेला जित हारी गुण गाये, सुरदा सुहेला हर गुण गाये, सो सच मंद सो सच मंद चित सच ध्याये, सो सच मंद सतत सुहावी जित वसे हर जन, सच्चे नाम विको गुरु बनो जियो, सतर्क सुहावी जित वसे हर जन, सच्चे नाम मितो कुर्बानो दियो, सच्चे नाम मितो कुर्बानो जियो, सो सच मंद सच मंद चित सच ध्याये, सो सच मंद चित सच ध्याये, सुरता सुहेला जित हर भूल गाये, सुरता जित हर भूल सच मंद चित सच ध्याये, सो सच मंद सच बड़ाई की मना पाई, कुदरत करम न कहना जाए, सच बड़ा जीवे जन तेरे सच शब्द
शब्द मन मानो जियो सो सच मन सो सच मन चित सच ध्याय सो सच मन चित सच ध्याय सुरता सुहेला जित हर गुल गाए सुरता सुहेला जित हर गुल गाए सो सच मंद चित सच ध्याए सो सच मंद चित सच ध्याए सो सच मंद सच सलाह बड़ भागी पाए गुर परसादी हर गुण गाए जाने कोई थान थना
जानो जियो सो सच मंद हो सो सच मंद जित सच ध्याये सो सच मंद जित सच ध्याये सुरता सुहेला जित हर कुल गाये सुरता सुहेला जित हर कुल गाये सो सच मंद जित सच ध्याये सो सच मंद सतर्त सुहावी जित वसे हर जन सच्चे नाम मिटो कुर्बानो दियो सतर्त सुहावी जित वसे सच ध्याये सो सच मंद चित सच ध्याये सुरता सुहेला जित हर कुल गाये सुरता जित सच ध्याये सो सच मंद जित सच ध्याये सो सच मंद सो सच मंद जित सच ध्याये सोरिदा सुहेला जित हर गुण गाइए सो सच मंदर गुर प्रसादी वेख तू हर मंदिर तेरे नाल सो सच मंदर सो सच मंदर जित सच त्याहिए सोरिदा सुहेला जित हर गुण गाइए गुर प्रसादी वेख तू हर मंदिर तेरे नाल हर मंदिर सब देखो जिए हर मंदिर सब देखो जिए हर नामो ले समाल सो सच मंदिर हर मंदिर एह शरीर है हर मंदिर एह शरीर है ज्ञान रत्न परकट होए ज्ञान रत्न परकट होए मन मुख मूल न जाननी मन मुख मूल न जाननी मानस हर मंदिर ना होए सो सच मंदर जित सच त्याहिए सोरिदा सुहेला जित हर गुण गाइए हर मंदर हर जियो सजिया
सवार रखिया हुक्म सवार हर मंदिर शब्दे सोना हर मंदिर शब्दे सोना कंचन कोट उपार कंचन कोट सो सच मंदिर जित सच त्याई है सोरी दा सोहेला चित हर गुण गाई है सो सच मंदिर हर मंदिर में हर नाम निधान है हर मंदिर में हर नाम निधान है ना बूझे मुग्ध गवार ना बूझे मुग्ध गवार हर मंदिर हर का हाट है हर मंदिर हर का हाट है रखिया शब्द सवार रखिया शब्द सवार जिस विच सौदा एक नाम जिस विच सौदा एक नाम गुरमुख रहे सुमार सो सच मंदिर जित सच त्याई है हर मंदिर में हर वसै हर मंदिर में हर वसै सर्व निरंतर सोए नानक गुरमुख बन जिए सच्चा सौदा होए सच्चा सौदा होए सो सच मंदिर चित सच त्याए सो सच मंदिर चित सच त्याए सुरदा सुहेला चित हर गुण गाए सुरदा सुहेला चित हर गुण गाए सो सच मंदिर चित सच त्याए सो सच मंदिर सो सच मंदिर चित सच त्याई है हर जपे हर मंदिर साजिया हर जपे हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम संत भगत गुण गावे राम हर मंदिर सोई आखी है हर मंदिर सोई आखी है जिथो हर जाता जिथो हर जाता सो सच मंदिर हर मंदिर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो हर मंदिर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो हर दिस विच रहा सुमाए राम हर दिस विच रहा सुमाए राम सो सच मल्लर मल चावे
सो सच मन चित सच ध्याए सो सच मन चित सच ध्याए सुरता सुहेला चित हर भूल जाए सुरता सुहेला चित हर भूल जाए सो सच मन चित सच ध्याए सो सच मन चित सच ध्याए सो सच मन वाहे गुरु परम सत्कार योग गुरु सत्संग जीओ जितनी भी शरीर गुरु चरणा में जुड़ बैठे हो करो रसनावन पवित्र प्यार नाल गज के आखो सतनाम सतगुरु दी अपार बख्शिश रहे बंदा सदका जिस शब्द की बख्शिश धन गुरु अर्जन साहब ने की है बड़ी सुंदर गल सतगुरु ने आरंभी है पर जे पछोकड़ विच चले जाइए ते गल पहले धन गुरु नानक पातशाह तो आरंभ हुंदी है सो सच मंदर सच दा मंदर ते सतगुरु गुरु नानक पातशाह की कहंदे ने मन मंदर ख्याल करियो सच दा मंदर केड़ा है मन मंदर तन वेस कलंदर कट ही तीर्थ नावा एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुर जन्म ना ओ सच दा मंदर जिस सच दे मंदर विच बह के सच दी गल करनी सच दी गल सुननी फिर कहिंदे ने सोहरे दा सुहेला हिरदा सोहरे दा सुहेला जित हिरदे तू बुठा हे परमात्मा जी दे ते तू बुठ पे है तुठ पे सबना के दातारा जीओ सब जीवानु दाट देन वाला एक दातार पर ख्याल करियो जी अच आपा गल करनी है सच दी सच दे मंदर दी पर मैं एक बचन दोहरा दिया मंदर बहुतात विच ने हर मंदर एक है मंदरां दी गिनती नहीं कीती जा सकती पर हरि मंदर इको विच लिखा गया धन गुरु अमरदास पातशाह जिन्होंने हरिमंदर की गल बड़े प्यार ते बड़े सोहने ढंग नाल कही है बड़े सौखे जे शब्द ने ख्याल करियो गुरप्रसादी वेख तू क्योंकि जद तक गुरु की कृपा ना होवे इसो जी नहीं जे मिलती इसो जी नहीं प्राप्त होंगी गुरप्रसादी गुरु की कृपा नाल वेख तू हरिमंदर तेरे नाल हरिमंदर तो तेरे नाल है हरिमंदर ये शरीर है कैसी कमाल की गल है आप किसी इमारत नू किसी बिल्डिंग नू ना लभदे फिरिए नाल दा भाव है कोल ते शरीर दा भाव है जीव दा शरीर हरिमंदर ये शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होवे हर मंदर शरीर ता है जे इहदे विच ज्ञान दा रतन प्रगट हो जाए ते प्रगट भी ऐवें नहीं हुंदा इत्थे सतगुरु कहिंदे ने मनमुख मूल ना जाननी जिहड़ा मनमुख बंदा है मूल ही इस गल नूं नहीं जानदा उसनूं नहीं पता उह ते इत्थों तां कहिंदा है मानस हर मंदर ना होए उह कहिंदा मनुख किवें हर मंदर हो सकदा है
ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਜੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਹਰ ਜੀਓ ਸਾਜਿਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਆ, ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਵ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸੈ? ਬਿੰਨ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀ ਆ ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਖਾਇਆ, ਦਸ ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਧਰ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਰ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਹਾਲ ਗੂੰਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੇਚਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਢੰਡੋਰ ਚੀ ਢੰਡੋਰਾ ਨਾ ਵਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਰੱਖਿਆ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ। ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਹੁਕਮ ਚ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦੇ ਸੋਹਣਾ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਅਪਾਰ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਲਾ, ਤੇ ਕਿਲਾ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕ ਜਾਏ ਨਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਦੀ ਹਿਲਦਾ। ਜੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਿਲੇ ਨਾ ਹਿਲੇਂਗੇ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਜੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਮੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਐਸਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਮੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਬੂਝੇ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਉਹ ਮੂਰਖ, ਉਹ ਅਜਾਨ, ਉਹ ਗਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਹਰ ਕਾ ਹਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੱਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਥ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੌਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਟ ਹੈ। ਹੱਟ ਹੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੋਵੇ, ਗੁਡਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਰਚੂਨ ਚ ਵੇਚੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ, ਪਰ ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਹਰ ਕਾ ਹਾਟ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰ। ਇਹ ਹੱਟ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
पर जे गुरु की कृपा होवे। अगे चलिए जी, तिस विच सौदा नाम एक। पता नहीं आपा इहदे अंदर की भरिया है, किसे लई द्वेषता, किसे लई ईरखा, किसे लई नफरत, कई कुछ आपा इहदे अंदर रखिया होया है। पर खिमा करना, इहदे अंदर जिहड़ी चीज होनी चाहीदी सी ना उह नहीं हैगी। तिस विच सौदा नाम एक, गुरमुख लहै समार। जिहड़े गुरमुख जाणदे ना तुहाडे वर्गे, आ जिहड़े सतसंग विच आ के बैठदे ने, इथों आके नाम का किनका मंगते ने। प्यार गज के आखो ऐ जी, इथों सौदा लेना ऐ जी, इथों दात प्राप्त करनी, एदू वड्डी होर कड़ी दात है। अगे चलिए जी, हर मंदिर में हर वसै, वो जीव तेरे अंदर ते परमात्मा आप वसद है, क्योंकि उन्हें बनाई तेनू इसलिए है, उन्हें तेनू साजिया इसलिए है। जिन तू साध सवार संगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उभारिया। फिर इतनी बस नहीं, बाल व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद भया ऊपर साक सैन, मुख अप्याओ बैठ को दैन। कई बार मैं हैरान हूं ना, तुसी वेखदे हो आपां छोटे छोटे बच्चियां नाल किन्ना प्यार करने। पहले पुत पैदा होंदा है, पुत दे अगों फिर पुत पैदा हो जांदा है, उहदे नाल प्यार होर वध जांदा है। ते किते बुरकी आ के मूंह च पा देवे ते बड़ा सुकून मिलदा है। पर उस वेले यह शब्द याद नहीं आउंदा कि परमात्मा तू मैनू बचपन दे विच वी दुध दी रखिया दे के समालना करता रहा। अज जब मैं बुढ़ा भी हो गया, अज मैं बिरध भी हो गया, तभी तू मेरे मुंह खिच पाने वास्ते अगे साख संबंधी पैदा कर देते, तभी अगे रिश्तेदार दे देते ने। हैरानगी है, बिरध भया उपर साख सहन, मुख अप्याओ बैठ को दे। बस इस निर्गुण हारे ने इस गल नूं फिर भी नहीं जानिया, फिर भी इस गल नूं नहीं जान सकिया कि परमात्मा ने बचपन तो लैके तेरे बड़ेपे तक तेरा सारा प्रबंध किया है, पर तू फिर भी इनू हर मंदिर नहीं बना सकिया। ये तेरा मनुखी शरीर का शरीर ही रह गया। सतसंग ध्यान देना, अगे बचन बड़े कीमती आ रहे ने। हर मंदिर में हर वसै, सर्व निरंतर सोए, तेरे अंदर ही नहीं, जरे जरे विच, समुचे संसार विच, हर पासे, जिस पासे तू झाती मार के वेख, उथे ही परमात्मा है। नानक गुरमुख बन जी है, नानक आख नानक जी कह रहे ने, ऐसे गुरमुख जान ऐसे नाम दे वणज नूं वणजदे ने। फिर की हुंदा है, सच्चा सौदा होए। सच्चा सौदा ये है, बड़ी जगह सतगुरु ने कहा है, एक गल वखरी है, आपा मनीए ना मनीए, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगे निभ है खेप तुम्हारी। हर थां ते तो सतगुरु ने एक गल सानू समझाई है, हुण गल वखरी है, आपा उथे तक पहुंच ही नहीं रहे। इसलिए मैं बेनती करा, मनमुख मुगद ना जाननी। जिहड़ा मनमुख बंदा है ना, उस गल नूं जान ही नहीं सकिया। वह तो यह कहिंदा है जी, ऐ गल्लां एवें ने जी, हर मंदिर किते मन भी हो सकता है, मनुख भी बन सकता है। सतगुरु कहते ने, हां हर जपे हर मंदिर साजे आ, यह हर मंदिर की साजना उस परमात्मा ने आप कीती है। पर क्यों कीती है? जिथे बैठ के जपया जाए, प्यार नाल आखो सतनाम, यह जपन का मंदिर है। जो मन मंदिर बन जाए, उदे विच जपनी आ जाए, उदे अंदर शब्द टिक जाए, ते साध संगत ओ हर मंदिर अपने आप बन गया। हर जपे हर मंदिर साजिया, संत भगत गुण गावे राम। हुण हर मंदिर दी पहचान की है? हर मंदिर सोई आखी है, जिथों हर जाता। हर मंदिर केड़ा है जी, जे तो हरी का पता लगे, हरी जानिया जाए, भाव के अंदर मन अंदर
इस गल नूं जानिया जाए ओए हरी ते अंदर है तू बाहर लभदा फिरदा बाहर ढूंढण ते छूट परी गुर कर ही माहे दिखाया तू बाहर भजदा फिरना है वो अंदर राम नाल बैठा है ख्याल करियो परमात्मा ने सारा समुचा संसार अपना घर बनाया जिथे वो रह सके मैं बेनती करिया करदा कि किसी सवाल किया कि हे परमात्मा तू सारा कुछ बना रहे सारे दे रहन वास्ते भी बना दिता ही कोई अपना भी बनाया ही कह लगा हां अपना घर बनाया ही कहना हां बनाया कह लगी वह किड़ा कहते मनुख का हिरदा कहते कमाल की गल है मनुख का हिरदा वह क्यों कह लगे मनुख की आदत है यह बाहर लभदा फिरदा मैं अंदर आराम नाल बैठा रही ना मैनू कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि बाहर लभदा है यह बाहर मुखी है तो जिन्हें परमात्मा नूं पाना है उन्हूं अंतर मुखी होना पड़ेगा अंदर चात मारनी पड़ेगी जो अंदर वेखांगे तो पता लगेगा कि परमात्मा तो अंदर बैठा है जिहड़ा उन्हें घर बनाया है ख्याल करना जी हरमंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो हे मेरे प्यारे यह हरमंदर उन्हें साजना विच लिआंदा है हर तिस विच रहा समाए राम उहदे विच समाया आप रहिंदा है आप बैठा होया है अंत विच गुरु अमरदास जी कि यह मन कदों मंदिर बनदा है मन चाओ बहया प्रभ आगम सुने परमात्मा का आना सुने मैं पिछे जा एक मिसाल दिती सी कि किसी इस्त्री का पति बाहर होवे बहुत किते समय बाद घर आउंदा होवे ते पता लगता है उस इस्त्री नूं कि उहदा पति आ रहा है किसी सहेली ने आके कन्नी आवाज मारी नहीं तेरा पति तुरिया आउंदा ही कहिंदे ने फुल दी तरह खिल उठी सखी नूं कहिंदी जा ना तू मेरे कोल बह होर भी सहेलियां नूं बुला मन चाओ पिया मेरे मन अंदर चाओ पैदा हो गए प्रभ आगम सुनिया मैं अजे आना सुने अजे वेख्या नहीं घर आया नहीं आना कहते ने मन तो यह है मन दी अंदर चाओ ऐसा पैदा हो जाए मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रहे मंदिर बने जिस घर मेरे पति ने आना जिस घर मेरे प्रभु ने आके बहना है मंगल गीत गा के उन्हों घर घर ना रहन दियो मंदिर बना दियो अज हर थां तो आवाज आ रही है कि तुसी नहीं वेखते हर पासे एक मंदिर का माहौल एक गुरुद्वारे का माहौल बनया हुआ है मैं फिर बेनती कर दिया इमारत गुरुद्वारा नहीं है गुरु का प्रकाश गुरुद्वारा है गुरु का शब्द गुरुद्वारा है तो शब्द का प्रकाश जिथे होवे हिरदे अंदर हो जाए तो यह गुरुद्वारा है हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सुपागे अपना पिर जापे अनहद बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जो हे परमात्मा तू कर सकदे तेरे विच समर्था है अज कर कृपा साडे हिरदे अंदर बस साडा हिरदा केवल हिरदा ना रह जाए तेरे बहन वाला घर बन जाए जिथे बहन का तू घर बनाया वाकई उथे निवास हो जाए सतगुरु ऐसी बख्शिश कर दे तन गुरु अमरदास जी ने हरमंदर बारे बड़ा कुछ कहा पर ख्याल करियो ये कह ही हो सकता है जिदा अपना घर हरमंदर बन गया नहीं तो मंदिर में ही भजे फिरते सन देवी दे पाशक सन गंगा तट इनान जाते सन पर जो ठोकर वजी जो मन ते चोट वजी उदो पाल गुरु दी शुरू हो गई गुरु कुछ होर है तीर्थ स्नान कुछ होर है किन्ने कहा सी पंडित दुर्गादास जी पंडित दुर्गादास जी जिन्हां ने हथों पानी पीन तो भी इनकार कर दिता अमरदास तेरा कोई गुरु है अमरदास कह लगी महाराज ये तो मैं शब्द ही पहली बार सुने
मैं ते तीर्थ स्नान नहीं गुरु समझना। कह लगे नहीं, तीर्थ कुछ हो रहा है, गुरु कुछ हो रहा है। गुरु किनू कहते हैं जी? गो मीन्स अंधेरा, रू मीन्स प्रकाश। जिहड़ा अंधेरे विच प्रकाश करदे उन्नू गुरु कहिंदे। कह लगे महाराज मैनू शीदा नहीं पता। ते पंडित दुर्गादास जी कह लगे अमरदास इस पानी नू गिरा दे, क्योंकि नगुरे दे हथों सा पानी नहीं पीना। नगुरे का नाव है बुरा। हुण आपां अपने मन अंदर झाती मारनी है कि आपां भी गुरु कोई बनाया कि नहीं। एवें अपने आप नूं सिखवाई जावे साडा गुरु कौन है। शीश नूं आओ ते आखो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, शब्द गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब जी। इन्नी गल मन नूं छू गई। पर वेखो ख्याल करना जी, करो ही भाग लगा, करो ही भाग जागया। बीबी अमरो धन गुरु अंगद साहिब दी बच्ची अमृत वेले उठती, चाटी च दही पाती, रिड़कना पा के जिवें रिड़कती है ना बाणी पढ़ती पढ़ती पहुंच किथे गई? जिन मानस ते देव ते कीए करत ना लागी बार। बाबे अमरदास ते कन्नी आवाज पई दौड़ पे चुबारे ते सन उठे, हौले हौले आके सादा जिहा वस्त्र विछा के पिछे बह गए, बाणी सुनी। बाणी सुनन तो बाद जिवें बच्ची ने भोग पाया उठी ना। बच्चियां दे जिहड़े कर्म ने, ख्याल करियो जी, इत्थे भी बच्चियां मेरियां बीबियां भैणां बैठियां, ध्यान विच लिया हो इस गल नूं, अज ये रवाज नहीं रहा। बीबी अमरो ने बाबा अमरदास जी नूं वेखदे अनुसार अपने दोवें हथ चरणां वल वधाए, क्योंकि नूहां सहुरिआं नूं मत्था टेकदियां हुंदियां सन। अज तां उह भेद ही नहीं रहा, नूह कहड़ी है, धी कहड़ी है, पता ही नहीं लगता। और सिर ते चुन्नी होवे ते पता लगी है नूह है ना, सिर ते उहदे चुन्नी है ना सिर ते उहदे चुन्नी है। हर चीज खत्म होंदी जा रही है। पर ख्याल करना, यह परंपरा जब तक कायम है तद तक सात संगत सिखी कायम है। जिवें बीबी अमरों ने हाथ वधाए, बाबा अमरदास ने दोवें हाथ फड़ लए। कह लगे नहीं बचिए, अज मथा तू नहीं टेकना, अज मेरा मन करता है मैं तेरी चरण फड़ ला। क्यों? क्योंकि जिहड़ी तू बाणी पढ़ के सुनाई है ना, मेरा इन्ना बेचैन मन सी, अज उहने मेरे मन नूं शांति दित्ती, मैनूं सकून मिलिया। नहीं ते सारी रात पासे परतदे परतदे निकल गई, मन नहीं टिकया। तेरी आवाज कन्नी पैण दी देरी सी, मेरा मन टिक गया। उस बाणी ने मन नूं टिका दिता। देखो हर मंगल गाओ सखी, ग्रह मंदिर बनिया घर बन गया मंदिर। जिस घर अंदर ऐसी नूह होवे, ऐसी धी होवे जिहड़ी अमृत वेले उठ के जाप करे, वो घर मंदिर किवें ना बने। बचिए जिहदी इह बाणी पढ़ ली है मैनू उहदे दर्शन करा। बच्ची कहन लगी महाराज वो तां सुरगापुरी निवास करदे ने, पर उहनां दे जानशी उन्हां दी गद्दी ते मेरे पिता हजूर ने। कह लगी वो ते मेरे कुड़म ने। कह लगे हां तुहाडे कुड़म, तुहाडे संबंधी मेरे पिता। कह लगे चंगा फिर मैनू लै चल, मैनू लै चल। ते बच्ची ने पता हथ बन के की आखे। कह लगे पिता हजूर मेरे पिता दा हुक्म नहीं है कि जद तक असी बुलाईए ना कोई सणिया ना भेजिए सहुरे घरों नहीं आउणा। बचियो ख्याल कर लो, बिना माता पिता की इजाजत तो कदम बार नहीं रखना। गुरु साहिबान भी बचियां देखो कैसा कर्म कर रही हैं। अज तक किसी को पता ही नहीं लगता, दो सूट टैची च पाए तैयार किए थे हो गए, कौन किसी को पूछे थे, कौन किसी को दसे, दसन का टाइम ही कोई नहीं। कह लगे मैं भी तेरा पिता वा,
पर मेरे मन अंदर जिहड़ी इस वेले दर्शना की लालसा है ना उन्हें पूरिया कर दे। लो जी पिता का हुक्म मन के तुर पई, पहुंच गई खडूर साहब। अमरदास कह लगे बचिए तू अंदर जा ते मैं इत्थे बिन, मैं चाहना जिहड़ा गुरु मैं धारण कर लगा घट तो घट गुरु जानी जानते होवे। ख्याल करो जी इत्थे एक होर बचन गुरु की परख, बस इनी गल सी। पहले तो बच्ची वेख के धन गुरु अंगद साहब कह लगे बचिए सुख है, क्योंकि धियां जदों प्यो दे घर आउंदियां ने पहले उही उह पुछदे किते लड़के ते नहीं आ गई, किते सहुरिआं ने तंग करके ते नहीं कढ दित्ता। ख्याल करियो ये समाज विच अज गल्लां नहीं पहले भी होंदियां सी चलियां आ रही। ते बच्ची कहन लगी महाराज पिता हजूर सुख है, मन उदास हो गया सी तुहाडे दर्शन करन आ गई हां। धन गुरु अंगद साहब ने टोकिया नहीं बचिए, गुरां दी बची होके झूठ भी बोलनी है, और जिन्हों बाणी दे तीर मार के पिछे तोरी आई है सारा रस्ता, जे गुरु घर आ गया तो बाहर क्यों छड़ आई, अंदर लै आना सी। ये आवाज बाबे अमरदास दे कन्नी पई, अमरदास दौड़ पे आ गुरु जानी जाना है, गुरु ने मैनू वेख लिया कि मैं दे दर ते आया। जिवें अमरदास अंदर आए धन गुरु अंगद साहब उठ खड़े हुए, क्योंकि कुड़म सन, कुड़म मान देना बनता है भावे गुरु सन। जिवें खड़े हुए बाबा अमरदास कह लगे महाराज